हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट्स बुक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सबके कहने पर मुंबई और सिंगापुर के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई इंडिया के तीसरे सबसे बड़े स्टेट महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी है। मुंबई को इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है और इसीलिए मुंबई भारत का सबसे अमीर शहर भी है। लेकिन यहाँ पर आपको अरबपति लोगों के साथ साथ ऐसे लोग भी देखने को मिल जाएंगे जिनको दो की रोटी के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। वहीं सिंगापुर इंडिया के मुंबई और दिल्ली शहर से भी छोटा है। सिंगापुर का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है। सिंगापुर इतना छोटा होने के बावजूद भी सिंगापुर ने इतनी ज्यादा तरक्की की है कि आज रिचेस्ट कंट्री की लिस्ट में आज लक्समबर्ग के बाद दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन दोनों के बीच एरिया जीडीपी से लेकर टूरिस्ट अट्रैक्शन जैसे कई सारे फैक्ट्स के आधार पर इन दोनों के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं। तो हमारा आज का यह वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉमिनल जीडीपी की। दोस्तों, अगर मुंबई की जीडीपी की बात करें तो मुंबई की जीडीपी 310 बिलियन यूएस डॉलर है और मुंबई का जीडीपी ग्रोथ रेट 5.9% है। वहीं सिंगापुर की जीडीपी 380 बिलियन यूएस डॉलर है और सिंगापुर का जीडीपी ग्रोथ रेट 2.8% है। दोस्तों, अगर एरिया की बात करें तो मुंबई का मेगा सिटी एरिया 603 किलोमीटर स्क्वायर और मेट्रो सिटी एरिया 4355 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं सिंगापुर का कुल एरिया 728 किलोमीटर स्क्वायर है। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की बात करें तो मुंबई की पॉपुलेशन 2.6 करोड़ के आसपास है और मुंबई का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.26% है। वहीं सिंगापुर की पॉपुलेशन 58.87 लाख के आसपास है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0.79% है। और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो मुंबई की पॉपुलेशन डेंसिटी 35,000 पर स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं सिंगापुर की पॉपुलेशन डेंसिटी 8,000 पर स्क्वायर किलोमीटर है। लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे लोगों की बात करें तो मुंबई की लिटरेसी रेट 89.73% है। वहीं सिंगापुर का लिटरेसी रेट 97.5% है। अब हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में, जिससे पता चलेगा कहां पर ज़्यादा बेरोजगार लोग रहते हैं। तो मुंबई का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 11.1% है। वहीं सिंगापुर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.1% है। अब नज़र डाल लेते हैं पॉवर्टी रेट पर, तो मुंबई का पॉवर्टी रेट 20% है। वहीं सिंगापुर का पॉवर्टी रेट मात्र 2% है। चलिए दोस्तों, अब कुछ खाने पीने की बात कर लेते हैं, जहां मुंबई में आपको बड़ा पाव, कीमा पाव, भेल पूरी, बॉम्बे सैंडविच, पानी पूरी और समोसा भी छोरा जैसी चीज़ें खाने को मिल सकती हैं। वहीं सिंगापुर में आपको चिली क्रैब, हैनानीज चिकन, नासी लेमक, ओटा कोटक, बक कुटते और मुर्तबक जैसी चीज़ें खाने को मिल सकती हैं। चलिए दोस्तों, अंत में कुछ घूमने फिरने की बात कर लेते हैं, जहां मुंबई में आप गेटवे ऑफ इंडिया, हाजी अली दरगाह, एलिफेंटा केव, फिल्म सिटी मुंबई, रेड कारपेट वैक्स म्यूजियम और शिवाजी टर्मिनल जैसी जगहों पर घूमने जा सकते हो। वहीं सिंगापुर में आप मरीना बे सैंड्स, गार्डन बाय द बे, बोटैनिक गार्डन, सिंगापुर जू, सिंगापुर फ्लायर और चाइना टाउन जैसी जगहों पर घूमने जा सकते हो। तो दोस्तों, ये था मुंबई और सिंगापुर के बीच में कंपैरिजन। आपको सिंगापुर या मुंबई कौन ज़्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।